और चल चल तू इधर का सियासी हरीफ भी है और मुकाबला बड़ा तगड़ा मुकाबला है, क्या कहेंगे? फोटो छोड़ दो। अब जो इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह ताला वो साफ और शफाफ होंगे, तो फिर हमारे हरीफ को तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे पिछले 22 साल से वो शिकस्त हम उन्हें देते आ रहे हैं, तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला उन्हें शिकस्त से दो चार करेंगे अवाम की उम्मीदों के मुताबिक, और इंशाल्लाह अवाम के साथ मिल के हम ये साबित करेंगे कि पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने धांधली की है, और अब का रिजल्ट जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। पीटीआई का ये दौर भी गुजरा है, उनने तरक्याती काम भी इलाके में करवाए हुए हैं, वो इन भी थे बहुत ज्यादा। अब आपके लिए एक टफ टाइम है, क्या पाकिस्तान उनके पास ऐसा कोई है लाए अमल जो अख्तियार करेंगे तो आप सीखें कर देखिए। हमने हमेशा सियासत साफ शफाफ तरीके से की है, नेक नीयत से की है। हमारा मिशन जो है वो इस जद्दोजहद पे बेस्ड है कि हम आवाम तक उनके मसाइल हल करें और सब मसाइल लेके जाएं। पीटीआई ने क्या किया है, पाकिस्तान को इस माशी कुरान में डाला है, और आज इतने मुश्किल हालात जो हैं वो गलत वोट देने की वजह से पीटीआई को अवाम सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गरीब अवाम आज सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों ने ये सफरिंग ख़त्म कर दी है। हम लोगों ने जिस तरीके जो चार साल पहले पाकिस्तान था कम अज़ कम उस फेस पे अपनी गवर्नमेंट को लेके आना और फिर इंशाल्लाह ताला उससे आगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।